हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर, और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बैगन को बीज से कैसे उगाया जाए। चाहे आप अनुभवी गार्डनर हो या आपने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की हो, इस वीडियो में सबके लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी उपलब्ध है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले इन बीजों की अंकुरण आवश्यकता के बारे में चर्चा करते हैं। इन बीजों के अधिक से अधिक सफल अंकुरण के लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस या 70 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना चाहिए। इन बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन साथ ही पूर्ण अंधकार की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप इन्हें मिट्टी की एक पतली परत से ढक सकते हैं, लेकिन इन्हें बहुत गहराई में न दबाएं। आमतौर पर आदर्श तापमान होने पर इन बीजों को अंकुरित होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर ये तापमान आदर्श सीमा से कम या ज़्यादा है तो अंकुरित होने में अधिक समय लग सकता है। इन बीजों को उगाने के लिए जो पॉटिंग मिक्स चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ मैं पुरानी मिट्टी का यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पिछले सीजन में बनाई थी, पर आप पुरानी मिट्टी को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, पहले उसको ट्रीट करना पड़ता है। मैंने वो पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट किया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आप नया पॉटिंग मिक्स बनाना चाहते हैं तो जो नॉर्मली मैं बनाता हूँ और यूज़ करता हूँ उसकी जानकारी भी आपको बता देता हूँ। मैं ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा हूँ पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए। एक भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक भाग कोकोपीट, एक भाग वर्मी कंपोस्ट, एक चौथाई भाग नीम खली, एक चौथाई भाग वर्मी कुलाइट और एक चौथाई भाग परलाइट। अब इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। मैं ये 8 इंच का पुराना मिट्टी का गमला यूज़ कर रहा हूँ इन बीजों को उगाने के लिए, पर आप किसी भी तरह और साइज़ का गमला यूज़ कर सकते हैं। जो मिक्स हमने बनाया है इसमें भर लेते हैं। अब इसमें अच्छे से पानी दे देते हैं और रात भर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो मिक्स है वो अच्छे से सेटल हो जाए और पानी को एब्जॉर्ब कर ले। ये गमला मैंने एक दिन पहले ही तैयार कर लिया है। अब बस किसी भी टूल की सहायता से मिट्टी की गुड़ाई करें। ये लंबे वाले बैगन के बीज हैं, और विश्वास करें या ना करें, इस पूरे पैक की कीमत मुझे सिर्फ 10 रुपये पड़ी है। यदि आप इन बीजों को या और कोई बीज सस्ती कीमत पर खरीदने में रुचि रखते हैं तो मैंने अपने एक वीडियो में पूरी प्रक्रिया का विवरण दिया है, आप उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब बस इन बीजों को मिट्टी की सतह पर समान रूप से फैला दें। इसे मिक्स की हल्की सी परत से ढक दें। अब इनको पानी देने का समय है, तो इन्हें धीरे से लेकिन अच्छी तरीके से पानी दें। मिक्स को समान रूप से नम रखना है, पर यह भी ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा पानी ना हो जाए। बीजों को खराब होने से बचाने के लिए एक स्प्रे बोतल अच्छा काम कर सकती है। अब इस गमले को किसी सेमी शेडेड जगह पर रख दें। अपने बीजों के लिए गर्म वातावरण बनाए रखें। जैसे कि पहले बताया गया है, बैगन के बीज 70 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पसंद करते हैं।
ये 10 दिनों के बाद का रिजल्ट है। मिट्टी से कई छोटे छोटे पौधे निकलने लगे हैं। कुल मिलाकर बीजों से अंकुरण का परिणाम बहुत अच्छा है। और इधर बीच इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए गमले तैयार कर लेते हैं। ये 1 महीने के बाद का रिजल्ट है। पौधे बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छी तरह से बढ़ भी रहे हैं। मैं अब इनको ट्रांसप्लांट करूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं इन पौधों को पानी दे रहा हूं और मिट्टी को कम से कम 3 से 4 घंटे तक पानी को सोखने दूंगा। इस तरह पौधों की जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए बिना उन्हें बाहर निकालना आसान हो जाएगा। और इधर बीच इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए गमले तैयार कर लेते हैं। मैं ये 12 इंच का मिट्टी का गमला यूज़ कर रहा हूँ इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए। जो पॉटिंग मिक्स मैंने बीजों को ग्रो करने के लिए यूज़ किया था, वो सेम मिक्स ही मैं अब भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी पॉटिंग मिक्स भर लेते हैं इस गमले में। मिक्स मैंने भर लिया है, अब इसमें अच्छे से पानी दे देते हैं और कम से कम रात भर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मिक्स जो है वो सेटल हो जाए और अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। ये 1 दिन के बाद की स्थिति है। अब किसी भी टूल की मदद से पौधों को निकालें, बस सावधान रहें और कोशिश करें कि जड़ों को बहुत अधिक नुकसान ना पहुंचे। यह वो गमला जिसमें मैंने कल पानी डाला था। अब मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर देते हैं। लगाए जाने वाले पौधे की रूट बॉल से थोड़ा बड़ा गड्ढा खोदें और पौधे को इसमें रख दें। पौधे के चारों ओर मिट्टी को डालें और धीरे धीरे से दबा दें जिससे पौधा सीधा खड़ा रहे। बाकी पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए समान प्रक्रिया को दोहराएं। अब इनमें पानी डालना है। बहुत अधिक पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी नम है इसलिए पानी की छोटी मात्रा से ही काम चल जाएगा। अब कुछ दिनों के लिए इस गमले को सेमी शेडेड जगह पर रखें और बाद में इन्हें पूरी धूप में रख दें। तो इस तरह आप बीज से बैंगन का पौधा उगा सकते हैं। जल्दी इस वीडियो के दूसरे भाग के साथ वापस आऊँगा, जहाँ मैं पौधे के रखरखाव, देखभाल, खाद देने की पूरी प्रक्रिया और इसमें बैंगन आने तक का प्रोसेस आपसे शेयर करूँगा। इसलिए बने रहिएगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।